पहले लोकसभा चुनाव और अब उपचुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं VUA News, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आप सोच रहे होंगे मैं लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव की बात क्यों कर रही हूं? जी हां, उत्तर प्रदेश में इस वक्त 9 सीटों पर उपचुनाव हो गए। आइए पहले आपको आसान भाषा में बताते हैं कि उपचुनाव होते क्या है। उपचुनाव का मतलब है कि जिन विधायकों को टिकट दिया गया और वह सांसद बन गए, तो अब उन विधायक की जगह पर जिस क्षेत्र से वो थे विधायक, उस क्षेत्र पर दोबारा से चुनाव किया जाएगा और कोई और विधायक बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने पिच तैयार कर ली है, लेकिन विपक्ष भी पीछे बैठने वालों में से नहीं है। जैसा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में विपक्ष का रहा है, इसके बाद तो यह स्पष्ट हो गया कि बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खतरा हो सकता है, क्योंकि इस बार 80 में से 33 सीटें ही भाजपा के खाते में आई। एक तरफ बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव विक्ट्री के मोमेंट को बरकरार रखना चाहते हैं। इन उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण सीट जो सामने आई है वह अयोध्या की मिलिकपुर सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद है, लेकिन वह फैजाबाद सीट से सांसद बन गए हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया था, जिसके बाद अब बीजेपी को इस सीट पर कब्जा करना जरूरी हो गया, जिससे लोगों को ऐसा ना लगे कि भाजपा के हाथों से सत्ता निकल रही है। इसके साथ साथ मैनपुरी लोकसभा सीट में एक विधानसभा सीट है जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, वो है करहल। अब वह कन्नौज से सांसद बन गए, तो इसलिए उस सीट पर भी दोबारा से चुनाव कराया जाएगा। बीजेपी ने कब्जा करने की ठान ली है इस सीट पर। हालांकि अभी तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि करहल की सीट पर समाजवादी पार्टी का हाथ ना रहा हो। इन 9 सीटों में से बीजेपी के पास इस वक्त 5 सीट है, जिनमें से गाजियाबाद से अतुलगढ़, हाथरस से अनूप वाल्मीकि, फूलपुर से प्रवीण पटेल, मंझुआ से विनोद बिंद और मीरापुर से चंदन चौहान। विपक्ष की 4 सीटों के साथ साथ बीजेपी को एक चिंता यह भी है कि इन 5 सीटों को भी कैसे दोबारा से अपने हाथ में रखा जाए। इसी साल फरवरी में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 समाजवादी पार्टी के विधायक पर भी तलवार लटक रही है। इसमें से मनोज पांडे उचाहार से, राकेश पांडे जलालपुर, अभय सिंह गोसाईगंज, राकेश प्रताप सिंह गोरीगंज, विनोद चतुर्वेदी कालपीस और पूजा पाल चायल से विधायक है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इन सीटों पर पूरे तरीके से खुश नहीं है, तो इस सीट पर भी वो दोबारा से उपचुनाव करा सकती है। अगर समाजवादी पार्टी इन बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करती है और विधानसभा अध्यक्ष उन्हें अयोग्य घोषित कर देता है, तो यहाँ भी उपचुनाव कराने पड़ेंगे। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन उपचुनाव में बीजेपी के हाथों कितनी सीट आएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए VUA News पर।